शरद पूर्णिमा पर यमुना पार क्षेत्र में निकलने वाली भगवान महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा को लेकर आगरा के यमुना पार क्षेत्र में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्षेत्रीय लोगों में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर मेला संयोजक व अध्यक्ष का क्षेत्रीय लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। अगले महीने अक्टूबर में 9 अक्टूबर को आने वाली शरद पूर्णिमा पर रामायण रचयिता आदि कवि भगवान महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा शहर भर में धूमधाम के साथ निकाली जाएगी। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा में ये शोभा यात्रा 4 क्षेत्रों में निकाली जाती है। इसी श्रृंखला में यमुना पार क्षेत्र में भी भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। यमुना पार क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर क्षेत्रीय लोगों मेला संयोजक का चुनाव किया गया। सर्वसहमति से नगला देवजीत निवासी रामहित नरवार को मेला संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। चौधरी पंच क्षेत्रीय लोगों ने मेला संयोजक व मेला अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर एवं पटका पहनाकर जोरदार स्वागत किया। यमुना पार क्षेत्र में इस बार मेला संयोजक की जिम्मेदारी रामहित नरवार को दी गई है। रामहित ने बताया कि क्षेत्रीय व सामाजिक लोगों द्वारा दी गई जिम्मेदारी को वह मेहनत और लगन के साथ निर्वहन करेंगे और आगामी शरद पूर्णिमा पर भगवान महर्षि वाल्मीकि के प्रकट महोत्सव को भव्य रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं क्षेत्रीय लोगों द्वारा आगामी शोभा यात्रा को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वाल्मीकि समाज के मतलब वाल्मीकि में बनाया गया इसलिए आत्मपूर्ण सम्मान, इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। छोटे बड़ों की सबका सम्मान। किस पद से आपको नवाजा गया है? अध्यक्ष के पद। क्या आपकी भूमिका रहेगी और किस तरीके से मेले को आप भव्य बनाएंगे? अब आप लोगों की सबके सहयोग से भव्य बनाएंगे। उनका जो हमने संयोग बनाया राम जी को जी तुम्हारे गौतम नगर से, तो वाल्मीकि बस्ती लुनियाई से इनको चुना गया था। अब भव्य वाल्मीकि स्वामी का जो 9 अक्टूबर को भव्य स्वागत करने जा रहे हैं, तो ये सभी के सहयोग से ही हो रहा है और अच्छा निकालेंगे। ये हम लोग तीन साल से कर रहे, पर कोरोना टाइम में एक मेला फेल हो गया था हमारा। महर्षि वाल्मीकि समाज की जो शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में यहाँ पर स्वागत सम्मान रखा गया है। हमारे संयोजक जो चुने गए हैं कमेटी की तरफ से श्रीमान रामहित नरवार जी, और आज जो गौतम नगर में स्वागत सम्मान रामहित नरवार जी की तरफ से रखा गया है, उन्होंने पूरी कमेटी का स्वागत किया है यहाँ पर, और कमेटी ने पूरी ने रामहित नरवार जी का भी स्वागत किया है। कहाँ से आपकी शोभा यात्रा प्रारंभ? हमारी शोभा यात्रा गौतम नगर से निकल के जो पुराने रूट पर जो चली थी वहाँ से निकलती हुई और समापन नुनियाई पर होगी। हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी, जो गौतम नगर से चल के घाट एतमादौला और कटरा रामबाग नराय चोती हुई सादरा होती हुई दुनियाई पर समापन होगा। वहीं शोभा यात्रा में सम्मिलित होने वाली झांकियों के बारे में पूछिए, तो कितनी झांकियां इस बार देखने को लोगों को मिलेंगी? एक दर्जन से ज़्यादा झांकियां देखने को मिलेंगी। इसमें महर्षि वाल्मीकि स्वामी की मुख्य रूप से रहेगी, इसमें हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की, गणेश जी की सभी झांकियां, मतलब जो धार्मिक हमारे जो भी हैं सभी झांकियां। मेला में बताया कि शोभा यात्रा यमुना पार के गौतम नगर से प्रारंभ होकर मोती महल, यमुना ब्रिज, रामबाग, नराइश, टेढ़ी बगिया, सहादरा होते हुए नुनिहाई स्थित वाल्मीकि वाटिका पर समाप्त होगी। इस शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भव्य मंच व स्वागत द्वार लगा। इस अवसर पर बबलू चौधरी, नरेंद्र चौहान, पूर्व पार्षद जितेंद्र वाल्मीकि, गौरव चौहान, विकास राहुल चौहान, राकेश कुमार, महेश बाबू, डॉक्टर सोहन लाल, राज कठेरिया, गिरीश कनौजिया, धर्मेंद्र पवार, बसंत पाथरे, बाबूलाल सरपंच, नरेश मुसाव, क्षेत्र के चौधरी पंच, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।